हेलो व्यूवर्स, तो जैसा कि आप सबको पता है मैं बहुत टाइम से गायब था। मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ रीजंस थे, कुछ काम थे जिनकी वजह से नहीं बना पा रहा था। इस बीच में मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं DHA एग्ज़ाम से रिलेटेड कि फार्मासिस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, नर्सिस के लिए क्या प्रोसीजर है, और जनरल फिजिशियन के लिए या फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो पहले भी देखी है कि मैंने DHA एग्ज़ाम से रिलेटेड डाली है डेंटिस्ट के लिए, तो जो प्रोसीजर एक डेंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है वही प्रोसीजर सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर चाहे वो डेंटल असिस्टेंट हो, नर्स हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो, जनरल फिजिशियन हो, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, या फिर फार्मासिस्ट हो, सभी के लिए प्रोसीजर सेम है। और DHA एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको अलाउ करती है कि आप एग्ज़ाम पहले दे सकते हैं, बाद में डेट ऑफ लो कर सकते हैं, या फिर आप पहले डेट ऑफ लो कर लीजिए उसके बाद एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर आप साथ साथ भी कर सकते हैं। एक तरफ आपने डेट ऑफ लो के लिए अप्लाई किया है और एक तरफ आपने अपना एग्ज़ाम बुक करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जो है इसको कर सकते हैं। अब मेन दिक्कत यह है कि काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सेकेंडरी जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपकी डिग्री, सेकंड पर आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, थर्ड पर आपका जो है स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोर्थ आपका आ जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिफ्थ आपका आ जाता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्टेट काउंसिल। फिर चाहे वो कोई सी भी काउंसिल हो, आपकी नर्स काउंसिल है, या फिर फार्मासिस्ट की है, जनरल फिजिशियन की, मेडिकल लैब मेडिकल काउंसिल है, या फिर डेंटल काउंसिल है, कोई सी भी है, यही 5 सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। इन 5 सर्टिफिकेट के बिना आपका डेट ऑफ लो कम्प्लीट नहीं माना जाता है। अगर इसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम्प्लीट नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट रह गया और आपने डेट ऑफ लो के लिए अप्लाई किया हुआ है, डेट ऑफ लो तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको जब आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के बाद, तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर नहीं मिलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दुबई का नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप पांचों के पांचों सर्टिफिकेट्स को अपलोड करें, उनका वेरिफिकेशन करें, डेट ऑफ लो अच्छे से करें, तभी जो है आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल पाएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, मेन चीज़ है वेयर टू स्टार्ट। तो कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे गूगल करिए DHA शेरियान पोर्टल। जब आप DHA शेरियान पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आएगा लॉगिन का, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर वहीं पर आता है रजिस्टर का, तो आप लॉगिन पर अगर क्लिक आपने कर दिया तो वहाँ पर भी न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए या फिर रजिस्टर करने के लिए आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ खुद को रजिस्टर कीजिए। लेकिन इन सबसे पहले आपको काम ये करना है कि वहाँ पर एक सेल्फ असिसमेंट टूल का एक ऑप्शन होता है, पहले आप वो कर लीजिए। उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, यानी कि आपने कब ग्रेजुएशन किया है, कितना एक्सपीरियंस है, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, और आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो कहाँ से किया है, और डिग्री कहाँ से की है, वो सब आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप एलिजिबल हैं DHA के एग्ज़ाम के लिए या नहीं वहाँ शो हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट योर अकाउंट, तो वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए DHA शेरियन पोर्टल पर। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आपको आएंगे, एक आएगा बुक योर एग्ज़ाम, स्केड्यूल योर एग्ज़ाम, और एक आएगा गो टू डेट ऑफ लो। तो जब आप गो टू डेट ऑफ लो पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ लो की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पर एक नया अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा DHA वेबसाइट, मतलब डेट ऑफ लो वेबसाइट पर। वहां जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे ना, तो पढ़कर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर फिल करिए, सारे अपलोड कर दीजिए, पेमेंट करिए, आपका डेट ऑफ लो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर आप आ जाइए अपने शेरियान पोर्टल पर, वहाँ जा कर के आपको अगर लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट है तो गो टू बुक योर एग्ज़ाम या फिर स्केड्यूल योर एग्ज़ाम पर क्लिक करिए। वहाँ से आप गो टू प्रो मैट्रिक चले जाएंगे, प्रो मैट्रिक की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको जो है एक यूनिक आईडी वगैरह डालनी पड़ती है, जो कि आपके DHA शेरियान पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगी आपको।
वो वहाँ डाल करके अपनी एक आई वहाँ पर जो है एग्ज़ाम बुकिंग के लिए आपको स्केड्यूल करने के लिए आपको डेट दिखेंगी। आप 15 दिन के अंदर कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे आज की डेट डाल दीजिए और अब से 15 दिन बाद वाली डेट डाल दीजिए, दो डेट आपको डालनी है। उसके बीच की जितनी भी अवेलेबल होंगी डेट एग्ज़ाम के लिए आपको शो हो जाएंगी। सेंटर आप डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग, दिल्ली में होता है, चेन्नई में होता है, और भी बहुत सारी जगह होता है, तो जहाँ आपको देना है एग्ज़ाम वहाँ का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए जिस डेट में आपको देना, आप अपना एग्ज़ाम बुक कीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, उधर आपका डेटा फ्लो चल रहा है, डेटा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम दे दिया आपने, दोनों जब हो जाएंगे उसके बाद एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करना है, आपको फ़ीस पे करनी है आप उसकी 220 दिरहम की। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वर्किंग डेज में आपका एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब मिसिंग है, आपको एलिजिबिलिटी लेटर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। प्रोसीजर मेरा बिल्कुल सेम है DHA का। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग अबाउट DHA एग्ज़ाम और फॉर एनी स्पेशलिटी। थैंक यू।